वाहे गुरु। वाहे गुरु। हे वाहे गुरु। वाहे गुरु। वाहे गुरु। कहीं पर काश हमारा पैया, कहीं पर काश हमारा पैया, कहीं पर काश हमारा पैया। पटना शहर बिके पवले, पटना शहर
मैं हूँ परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। मैं हूँ परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। मैं हूँ परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। देखन आयो जगत
Bye.
चवर तख्त छत्र दे मालिक ज्ञान दे महासागर सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जिन्हां दी पावन पवित्र गोद अंदर संगती रूप विच जुड़ बैठे सन्मान योग संगत जी, आओ जिन्हें शरीर संगती रूप विच साहिबे कमाल चौजी प्रीतम सरबंस दानी अमृत दे दाते बेकसारा यार गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी दे 350वें साल प्रकाश पुरब नूं समर्पित गुरचरणा विच जुड़े हो। कोई भी जुबान रसना वांझी ना रह जाए, गुरदेव जी वल्लों बख्शिश कीती फतेह दी सांझ पाओ, सारे आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जिन्हां दे प्रथाए बहुत सारे विद्वान लिखते ने, सतगुरु तेरे वर्गा कोई गुरु नहीं, कोई योद्धा नहीं, कोई दानी नहीं, कोई सूर वीर बचन का बली नहीं, तेरे जैसा तू ही है और तेरे वर्गा परमात्मा हो सकता है होर कोई नहीं। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज दुनिया ते बड़े अवतारी पुरश आए, लाला दौलत राय आरिया समाजी है, वह आखदा है कि जदों मैं किते गुरु गोबिंद सिंह साहब जी की कथा लिखनी शुरू की, मेरे सामने जो कुछ आया, कहिंदे लड़े ने राम, लड़े ने कृष्ण, लड़ाई किस गल दी, जर जोरू जमीन दी। लड़े ने गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज, लड़ाई किस गल दी, कहिंदे मनुखी अधिकारां दी, मानवता दी। और किधरे किधरे जदों मैं वेखदा है, हर कोई अवतारी पुरश अपने मजहब लई, अपने धर्म लई, अपने कौम लई, अपने देश लई कुरबान हो सकता है, पर इहदे तों उपरे उठ के जे कोई सुतंत्रता वस हो के मानवता लई कुरबान होया है, वह केवल गुरु गोबिंद सिंह साहब होए। कुरबानियां बहुत कीतियां ने, पर सरबंस दानी केवल गुरु गोबिंद सिंह साहब ने, होर कोई नहीं। इसलिए गुरु दा सानी कोई नहीं। बहुता तो लोग ने जिन्हां ने गुरु गोबिंद सिंह साहिब की सैकी नूं समझिया नहीं, ना गुरु नानक साहब जी की सैकी नूं बहुतिया ने समझिया। जिवें गुरु नानक प्रचार किस गल का करदे, धर्म दे लोगो जे बाणा धर्म का पाया ना ते काम भी धर्मियां वाले करो, इहदे च गलत की सी। जे किते राजियां कोले महाराजी मत्थे लगदे ने सामने बाबर वर्गियां दे, ते राजे शी मुकदम कुत्ते शब्द पढ़ते ने, पाप की जंज लै काबलों ताया जोरी मंगे दान वे लालो। बाबर, रब ने तेनू ताकत दित्ती सी मानवता दे हकां दी राखी करनी, पर तू ता राज करन नू हक समझी बैठा है, पर मनुखी अधिकारां दा कातल बनिया होया। ये क्यों? फर्जी चेते कराया है। बाबर सेवादार बनदा, जे किते मानवता विच जांदे ने तां पाठ पढ़ाया जांदा है, अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के। ना कोई हिंदू ना मुसलमान, ना हम हिंदू ना मुसलमान, हम आदमी हाँ एक आदमी, ये पछाण है। और सच जाणियो, पशु नू पशु मिलदा है, पंछी नू पंछी मिलदा है, ये कदी नहीं पुछणगे तुसी कौन। आ बंदे नू बंदा मिलदा ते जरूर पुछदे तुसी कौन हो। आ गधे नू गधा मिल के नहीं पुछदा तुसी कौन हो, बंदा पुछ रहा तुसी कौन हो। गुरु नानक कहिंदे मैं तेरे जैसा आदमी हूं, बंदा है। मैं जात बरादरी विच विश्वास नहीं रखता, मैं मनुखता दे विच विश्वास रखण वाला है। शुभ अमला बाजो दोनों रोई। चौथी गल सी, महाराज जी ने
हर एक नू आर्थिक पक्ष तो मजबूत करना कुछ ओह ने जिन्ना को इन्ना क कट्ठा हो गया पर खाण जोगा टाइम नहीं ते ना हुक्म ही है खाण दा एक ओह ने जिन्ना को है नहीं। महाराज जी कहिंदे वंड के छको आ जिहड़ा बचिया उन्हां नू वंड दिओ। आ चार गल्लां ही सी ना, चारां गल्लां दे विच जिहड़े गुरमत तो विहोणे सन शुभ अमलां तो टुटे हुए लोग वह भी गुरु नानक दे मित्र बन गए, बाबरू भी बने, जोगी बने, होर कई तरह के लोग गुरु नानक की शरण च आए, पर जे नहीं आए मैनू खिमा कर दिया जे, ओ नहीं आए जिन्होंने गुरु नानक नू भूतना ते बिताला आखिया वह है कौन सन ये तुसी भी जानते। जिन्होंने सैकी नहीं समझी विरोध शुरू कर दिता भी शायद साडियां दुकाना बंद कराउण आए ने, सैकी नहीं समझी झूठ नू नहीं कढ़िया बंद कराउण दी ओ आवाज दी ठाण ले बंद करनी, क्योंकि जिहड़ा बंदा पखंड दे नां ते दुकान चलाउंदा है जदों पखंड दे विरुद्ध आवाज उठेगी तां विरोध तां होणा ही सी। उहनां कीता पखंड नहीं बंद कीता, सच दा विरोध शुरू कर दिता। जिन्हां राजियां ने हक नहीं सी देना इंसाफ करन दी बजाए सच दी आवाज नू बंद करन दी ठाण लई, इंसाफ नहीं करना इंसाफ दी आवाज भी बंद कर दिओ। ते जिहड़े जात बरादरी ते पलन वाले सी उन्हां कहा जिहड़ा जात बरादरी ते आवाज दिंदा है आवाज तां बंद हो सकती है पर बरादरी नहीं। अज भी ने गुरुद्वारे बरादरी दे नां ते ने गुरु बरादरी दा खंडन कर रहा, अज भी अज किहड़े मुक गए जिहड़े रिश्वत दे आदि सी, रिश्वत नहीं छड्डी रिश्वत दे विरुद्ध बोलण वाले नू बंद कर दिओ। ए सैकी नजायज विरोध गुरु नानक दी सैकी मानवता लई है, मनुखता लई है। गुरु कलगीधर पिता दी सैकी वी नहीं किसे ने समझी। गुरु कहिंदा मैं कबुद्ध करन तों वर्जन आया। हुण जिहड़े मूर्ति पूजा करदे ने गुरु कहिंदा मूर्ति पूजा ना कर, तू देवी पूजनी है ना, तेरी जम्मण वाली माँ घर च बैठी है ना जिन्हें 9 महीने पेट च रखिया, इहदे तो वड्डी कोई देवी है? तू देवता पूजना है ना, प्यो बैठा है ना प्यो दी सेवा कर, तू देवता बनना है ना आ गुणा दे तल ते ज्ञान पढ़ के खुद बन, देवते लभदा क्यों फिरदा है? हुण जिन्हां दियां दुकानां सी उन्हां नुकता नहीं समझिया विरोध शुरू करता। जागत जोत जपै निसबासुर एक बिना मन नैक नयान, पूर्ण प्रेम प्रतीत सजै ब्रत गोर मड़ी मठ। हुण पत्थर दी मूर्ति चौंक चला दिओ, रब ना करे कोई फेट मार के तोड़ जाए, रब दी बनाई मूर्ति बंदियां दे सिर पाड़ देणगे पत्थर दी मूर्ति दे कारण। पर जे किते रब दी मूर्त दा एक्सीडेंट हो जाए मत्था पाट जाए उन्हों कोई नहीं जे चुकदा। महाराज जी कहिंदे पत्थर दी मूर्त नू दुध पिओना है बंदे नू पिया जिहड़े लोड़वंद ने, इन्नी गल सी ना इच गलत की सी पर सैकी नहीं समझी विरोध करता। इसे तरह राजे सी, महाराज जी कहिंदे तुसी धक्के दे नाल दूजियां दे धर्म बदल दे हो क्यों, दूजियां दियां जायदादां दे कब्जे करदे हो क्यों, तुहानू रब ने ताकत दित्ती है सेवा करो, डिग्गे नू उठाओ प्यासे नू पानी दिओ, जख्म ते मलम लाओ करो सेवा मानवता दी। उन्हां सैकी नहीं समझी विरोध शुरू किया। जे गुरु ने कहा मानस की जात सब है एक पहचान बो, इक्के बाटे च अमृत छकावांगा, कहिंदे अमृत नहीं एक थां तो छकना बाटा चका देंगे, विरोध सैकी नहीं जानी विरोध शुरू किया। जे गुरु कहिंदे खालसा सोए निर धन को पालै, गरीब दा मूंह गुरु की, उदों भी ते अज भी गुरु दी गोलक रैली च तां लग सकदी है पर खिमा कर दिया जे किसे गरीब बच्चे दी एजुकेशन ते नहीं लग सकदी, अज भी सैकी ओही है। संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले उन्हां दा नां लओ ना, बहुतियां नूं वाइब्रेशन शुरू हुंदी है। और उस महापुरश नूं पता नहीं की कुछ लिखिया होया, गर्म ख्याली खाड़कू पता नहीं की कुछ बनाता,
पर जे किते उस बाबे दे नेड़े जाके देखो ना, दुकान हिंदू दी सड़दी है, पैसे हिंदू ने नहीं दिते, बाबा दे रहा। साइकी नहीं समझी, विरोध किया। जे किते हिंदू दी बच्ची नू हिंदू तलाक दिंदा पिया, किसे अदालत ने किसे थाने ने गल नहीं सुनी, उसनू धी बना के तोरिया, अज तक वसदी पई, बाबा ही शहीद होया है, परिवार तां जिउंदा जागदा है, वो बच्ची अज भी वसदी पई है, किसे हिंदू ने नहीं वसाई, बाबे जरनैल सिंह ने वसाई सी। बाइबल नू अग लगी, हुण केस ते लड़न ईसाई, ईसाइयां ने नहीं लड़िया, बाबे जरनैल सिंह ने लड़िया। क्यों? धार्मिक ग्रंथ किसी भी मजहब का है, उहदा निरादर करना किसी नू हक नहीं, उन्हां दोषियों नू सज़ा दवाउंदे ने। मुसलमान की बच्ची बीमार होई, पैसे बाबा जरनैल सिंह देगा, किसी मुसलमान ने नहीं दिते। मंदिर बनाउणा है ते पैसे बाबा भेजदा, किसी शिव सेना वाले ने नहीं दिते। साइकी नहीं जानी, विरोध किया, और अज भी उस बाबे का विरोध करदे ने। गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी की साइकी नू नहीं समझिया बहुत विद्वाना ने। लाला दौलत राय आर्या समाजी, जाकुर हुसैन मुसलमान, अल्लाह यार खां जोगी मुसलमान, आ वीर कहिंदे ने। गुरु गोबिंद सिंह साहब जी तुहानू बहुतियां अखां ने पछाणिया नहीं, बाहरों तां समुंदर दी तरह छल्लां मारदे पए ने, अंदरों टिके होए ने। बाहरों तां बादशाह ने, बाज है, ताज है, नीला है, प्रसादी हाथी चौर करदे ने, शिकार खेडदे ने गुरु, अंदरों दरवेश ने। बाहरों तां सिपाही लगदे ने, अंदरों संत ने। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज, तुहाडे बारे जानकारी लैनी होवे ते पुछो पीर भीखण शाह नू, जिन्ने सवाल पाया सी पटना साहब की धरती ते हिंदुआं दे के मुसलमानां दे। महाराज जी ने उत्तर दिता, असी मानवता दे हाँ, रसूल नहीं, असूल पालना जानदे हाँ, असूल की गल करदे हाँ। पुछो सैद खां नू, पुछो कृपा राम नू, पुछो उस ब्राह्मण नू जेदी घरवाली छड़ा के बाबा अजीत सिंह लिआउंदा है। गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने खालसे की साजना करके अंदर साहस भर दिता, जेड़े कमजोर हो गए ने, आत्मक तल ते मर चुके ने, उन्होंने ताकत दियांगा, वो अपने हक भी लै सकन ते दूजियां दी राखी कर सकन। भै काहू को देत ने, जुल्म करना भी पाप, जुल्म सहना भी गुनाह, पाप। इथों तक डरना भी जुल्म ते डराउणा भी जुल्म, ना को दुश्मन दुखिया, ना ही को मंदा। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी, तुहाडी जिंदगी तो, तुहाडी शख्सियत तो आ रस मिलदे पए ने। 52 कवि रखदे ने, पुत्रां दे दानी ने, आनंदपुर साहब त्यागण वाले ने, मित्र प्यारे नूं गाउण वाले ने। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी, तुहाडा सानी कोई नहीं, पर तुहाडी सैकी नूं समझिया नहीं बहुतियां ने। गुरु मानवता लई है, अज भी कुछ सिर फिरे आखी जाते ने, गुरु साहब जी देश ली कौम ली बिल्कुल गलत बात है, गुरु तो दुनिया ली आया है, संसार ली आया है, ओदी शरण चाहे कृपा राम आ जाए ते चाहे बहादुर शाह आ जाए, गुरु तो सारियां दी सुनदा है, किसे नू खाली नहीं मोड़दा। गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जिन्हों का अज तुसी प्रकाश पुरब मनाउने पए, उन्हां दे बचन सन, पूजा अकाल की, परचा शब्द का, दीदार खालसे दा दीदार करांगे ते परचा शब्द दा पैणा है, परचा शब्द दा पएगा ते पूजा अकाल की होनी, क्योंकि संगत दे विच्चों जाके सिखिया जांदा है। एक मैं बेनती इत्थे होर करदे आं, सिख दी ते गुरु दी सैकी एक है, अड नहीं। जिक्र मैं बाबा जरनैल सिंह दा भी कर दिता है ते धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी का भी कर दिता है। ना तो गुरु गोबिंद सिंह साहब की सैकी नूं समझदे ने, ते ना ही
बाबे जरनैल सिंह दी सैकी नू समझिया सिख ते गुरु है की ने मानस की जात सबै है की ने काल खाए किछ है की है नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला ना डरदे हां ना डराउंदे ना जुल्म सहिंदे ना सहण करदे इह सिख दी ते गुरु दी सैकी जे मैं अजोके समें दी गल करां जे तां साडा जथेदार रवे जेल दे विच तां साडा जथेदार उहदे वर्गा कोई जथेदार नहीं रब ना करे अदालत सबूतां दे आधार ते छड दे ना असी गदारी दा फट्टा दूजे दिन गल च पा दांगे सैकी सिख दी समझी नहीं विरोध जिताया उदों बाद जे किते साडा आगू शहीद हो जाए ते फोटो ला के उहदी शहीदी दिहाड़े मनावांगे मैनू खिमा कर दिया जे किते बाबा शहीद ना होया हुंदा रब ना करदा अज जिहड़ी बाबे दी हालत तुसां करनी सी उह मैं बयान नहीं कर सकदा शहीद हो गया तां साडा जरनैल बच गया तां सरकारी तीसरी गल अज असीं कहिंदे गुरु ग्रंथ साहिब जी दा निरादर होया अरदास बनाई गई तख्त भी पंज बने ने कल्ली अरदास ही नहीं बनी इक्को गल करी जाने तख्तां दे बराबर पंज तख्त बनाए ने प्यारियां दे बराबर पंज प्यारे घोन मोर बना के जलूस कढ के जलील किया गया मंदिर दे सामने हरिमंदर दे सामने मंदिर खड़ा किया असी विरोधी नहीं पर डबल माइंडड साडी जनरेशन नू करन लई ए वी क्यों होया गुरु ग्रंथ साहिब दा निरादर हो रहा गुरुद्वारे च राजनीति वड़ गई भ्रिष्टाचारी नशाखोरी अज उहदा बोलबाला है सिद्धांतां दा कतल होया गुरुद्वारे च जे तां मैं ये गल्लां करां तुसीं जकारे छड के कहना भाई वडाला बड़ा ही तगड़ा प्रचारक ते जे मैं इहदा हल कढ दियां भी सिखो आओ इहदा हल ये है गुरुद्वारे की चोण लड़ो ते आ गंद साफ करो फिर तुसी पता की कहना ये तो जी राजनीतिक हो गया छड़ो खेड़ा आ सैकी साड़ी है राजनीतिक बंदा गुरुद्वारे की चोण लड़ लवे पंथक ते जे कीर्तनिया पंथक हो के आखे मैं गुरुद्वारे की सेवा लई आना है ये राजनीतिक ये सर्टिफिकेट आप फड़े हुए हैं और राजनीतिक हो के पंथक हो गया असी पंथक हो के राजनीतिक हो गए ये लेवल सानू लाने वाले तुरे फिर दे पर ये ना कोई फर्क नहीं पैंदा कोई भला कहो भावें बुरा कहो हम तन दियो है ढार कोई परवाह नहीं जेडे मर्जी लेवल दियो असी तो पहले ही फटियां गल च पाई हुई हैं भाई लद्दे वर्गे मक्खन शाह लबाने वर्गे पहले ही मूँह कला करी फिरते तुसीं की करना साडा आपे कर लेने असी होर की करो अकाल तख्त तो छे के भांडे ही मजाओगे ना पहला ही मांजदा है उदू बाद की करना तुसी जबान बंद कर ली इको ही ताडे को राह रह जाना है जेड़े सैकी नू समझदे नहीं जां ते साडा हल एक गोली है ते जां एक्सीडेंट है इदों बाद कोई हल नहीं होना अज इलाज की गल करनी चाहीदी इलाज की है गुरुद्वारे की चोण राजनीति नहीं है MLA की राजनीति सैकी नहीं समझी चंगे सिखा ने चुप धारण कर ली जेड़े प्रचारक ने सिख ने जीवन वाले ने वह अगे लगन राजी नहीं जेड़े अगे लगे ने ना प्रचारक ने ना धर्मी ने बेईमान ने पर उहदा हल जे मैं कहना पिया गुरुद्वारे की चोण लड़ीए भाई वडाला राजनीति कर रहा जी दिल्ली जाके फिर ये कहने दरबार साहब तो कढ़िया होया रागी मैनू दरबार साहब तो कढ़िया मैं कहना हुन्ना मेरे अंदरों दरबार साहब कढ़ के विखाओ मैं भी प्यो दा तुसी भी प्यो दे बनो फिर हरिमंदर साहब नू ताले तो उदों भी मार ले सी गुरु तेग बहादुर साहब वेले भगत नामदेव जी नू धक्के मारे मंदिर चों बाबे कबीर नू कढ़िया गया मगहर की धरती ते फिर की होया
गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का निरादर होया है, तख्तों के सामने तख्त बन गए, पांच प्यारे बनाए गए, नकली जलील किया गया सानू, अरदास बनाई गई। मैं चोर की गल नहीं करता, मैं तो चोर की मां नू मारन की गल करता जिथों जमदे ने। हल ये है, उहदा हल इको ही है संगत जी, धरने भी तुसी दा के वेख ले ने, भुखड़ ढालां भी वेख लईआं। आओ बाबा बोता सिंह ते गरजा सिंह बनीए, असी भी चोण लड़ांगे। अजे ऐलान ही किया है ना, लड़नी है ना, ऐलान किया कि अमृतधारी सिख लियावांगे। गुरमतीए भाजड़ा पईआं होईआं ने भी अमृतधारी लियाओ, यह भी तो साडी जेती है। गुरु की गोलक ते लुट करदे हो, गुरु की गोलक ते रैलियां हुंदियां पईआं ने, अगर असी आए तो दसां रुपईआं च बच्चे पढ़ावांगे, वह कहन लग गए जी फ्री पढ़ावांगे, यह भी तो साडी जेती है ना। सानू तो यही काम ही चाहिए ना, पर जदों असी बेनतियां करदे सी उदों नहीं सुनिया। बाबा बोता सिंह बन के आवाज़ दित्ती तां गल पहुँच गई उत्ते तक, उवें नहीं पहुंची। इसलिए गुरु ने तुहानू खालसा बनाया, जे लोकां ने साइकी नहीं गुरु की समझी, घट्टो घट सिख ते समझ लवे, मेरी बेनती जे। इसलिए कीर्तनिया गुरु घर की सेवा ली जे को अगे लग के तुरदा तो राजनीतिक नहीं, गुरु घर की चोण, गुरु घर की इलैक्शन भी सिलैक्शन है। चाहे 80,000 नू पांच चुन देन, ते चाहे 80,000 चो पांच चुन ले जान, ऐ तां चोण ही है ना, गलत की है इहदे च। मैं अज तुहानू बेनती करदा भैणों, गुरु गोबिंद सिंह साहब ने, मैं भरावां दी गल नहीं करदा, तुहाडी कर लगा भैणां दी। तुहानू कौर नाम किन्ने दिता भला, दस्यो मेरियां भैणां, कौर नाम किन्ने दिता है गुरु गोबिंद सिंह साहब ने? खालसे की मां होण दा हक दिता तुहानू? बाकी दे जेड़े ग्रंथ ने, विद्वान ने, इस्त्री जाति नू कोई नरक दी पौड़ी ते, कोई पैर दी जुत्ती ते, कोई घर दी रखेल, कोई परमात कुदरत दी मजेदार गलती ते, कोई न्याणे जम्मण वाली मशीन दसदा है, गुरु उन्नू कौर ते खालसे दी मां कह के नवाजदा है। पर तुहानू मैं वास्ता पाउणा है, खालसे दी मां नू जिद्दण गुरद्वारे दी चोण होणी है, उन्हां वीरां दी मैं नहीं गल करदा जिहड़े शराब दी बोतल ते विक के वोटां पाउण वाले ने, 500 दे नोट ते, मैं भैणां दी गल करांगा। भैणो अगर तुसीं शराब देण वालियां नू चुणिया, तुहाडियां बच्चियां जिन्हां ने खालसे दी मां बनना है, कलगीधर दी धी बनना है, इह शराबियां दीआं घर वालियां होणगीआं, उन्हां दे भांडे मांजणगीआं, उन्हां दे न्याणे जम्मणगीआं, नरक भोगणगीआं, उस नरक दे तुसीं जिम्मेवार होवोगे जिन्हां ने नशा लै के वोट पाउणी। फैसला तुहाडे हत्थ 'च है, चुण लो, मैनूं तां कोई फर्क नहीं पैणा, मैनूं हारन जित्तन की कोई परवाह नहीं, मेरा मकसद हार जित नहीं है, मेरा मकसद होर है, सिद्धांतां नूं जिउंदे रखणा है। किन्ना चिर? जिन्ना चिर मुक नहीं जांदे उन्ना चिर। इसलिए गुरुद्वारे की चोण जिहड़ी है राजनीति नहीं है, बनाया जा रहा है। राजनीति तो आपां कढ़नी आ गुरुद्वारे चों, रब इन्हां नूं जिंदगी दे, सानू सफलता दे, इन्हां नूं दसीए भी सेवा किहनूं कहिंदे, दस सकीए। ते जिहड़े कहिंदे ने पंजाब तो आ के दिल्ली च क्यों आए, इन्हां नूं पुछो भी तुसीं कित्थों आए हो, तुहाडी आई डी ते मेरी आई डी की है, वासी कित्थों दे हो तुसीं? आंदे जी आनंदपुर साहब दे, पुत के दे हो? गुरु गोबिंद सिंह साहब दे, माता साहिब कौर दे, बाबा अजीत सिंह दे भरा। मैं भी तो यही कहिंदा, आई डी तो इको ही है ना, चाहे जम्मू चाहे कश्मीर को कन्याकुमारी बैठा, आनंदपुर साहब दे वासी खवाउण वाले। इसलिए बेनती करांगा, गुरु साहिब जी की जिहड़ी सैकी है, सिख की सैकी की है, उन्हूं विरोध करन दी बजाए उन्हूं समझण दी कोशिश करो। सिख सद्भावना दल दा सेवादार गुरु रामदास महाराज जी दा कीर्तनिया मैं अज भी हाँ। सेवा करन लई नौकरी दी लोड़ नहीं हुंदी, बिना नौकरी तो भी सेवा कीती जा सकदी। और जिहड़े कहिंदे ने भी तुसीं
सिख सद भावना दल क्यों बनाया ते चोण क्यों लड़न लगे हो? आ सुनियो भाई साहब आ गए ने, मैं समाप्ति कर लग्या। बाबा गुरदित्ता जी का गुरद्वारा तुहानू पता ही है ना, आनंदपुर साहब। श्रोमणी कमेटी कादे लई चुनी तुसी भला? सेवा संभाल ली। हुण सेवा किहड़ी हुंदी पई है सुनो। उत्थे दे मुलाजम, उत्थे दे मैनेजर, छे बंदे गुरद्वारे च मीट रहिंदे ने ते शराब पींदे ने। आफर के मीट शराब ना महाराज जी दी ताबिया बहिंदे ने ते उल्टियां करदे ने महाराज जी दे सरूप ते। उह सरूप कित्थे आ कोई पता नहीं अजे तक। उस घनौनी हरकत दा सानू पता सी। असी ये गल तुहानू क्यों दसी? आ कसूर सी दरबार साहबों कढ़न दा। दोषी बचा लए ने, सानू सज़ा दित्ती, तीन वारी ठाणा भी विखाता। इहदे नाल की होऊ? गुरु ग्रंथ साहिब जी तो सब कुछ निशावर किया जा सकता है, पर सब कुछ लई गुरु ग्रंथ साहिब जी निशावर नहीं किए जा सकते। ये कन खोल के सुन लैन जिन्हां दी सैकी विगड़ी हुई। इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अदब सत्कार नूं बहाल करना, दोषी भी फड़ने ने ते गोलक दी लुट भी रोकनी है। इसे गोलक तों असीं गरीबां दे बच्चे पढ़ा सकते, मैडिकल एजुकेशन दे सकते, चंगे स्कूल चंगे हस्पताल दे सकते, सवाए लंगर ते इमारतां तों कौम नूं दिन्ने की पए असीं। माड़ी गल नहीं, लंगर गुरु ने दिता होया हर ली है, पर गुरुद्वारे च कला लंगरी नहीं। भाई कान सिंह जी नाभा लिखते ने, भुखे लिए अन्न है, नंगे लिए कपड़ा भी है, विद्यार्थी लिए स्कूल है, बीमार लिए दवाखाना है, लोड़वंद लिए मददगार है, यात्रु लिए निवास स्थान है। मानवता लई गुरद्वारा फ्यूचर भी है, ये कला कमाई का साधन नहीं है। अज पखंडवाद दे इन्हां ने अड्डे बनाते ते कीर्तन बन के रह गया पेशा। साडी जमात ने पेशा बना लिया 80%, खिमा कर दिया जे। कीर्तन मेरी रोजी रोटी है, उदों बाद कुछ नहीं, ते गुरु कृपा करे ये मेरा फर्ज बन जाए, ताकि असी उह प्रबंध दे जिहड़े थले लग गए आ ना उहदे उपर आईए। कदे प्रबंध दे उपर गुरमतीए हुंदे सी, हुण असी नौकर बन गए, वह मालिक बन गए, पुठा हो गया उल्टा पुलटा। इसलिए आओ 2017 की जिहड़ी चोण गुरुद्वारे की, इहदे विच आपां चंगे वीरां की चोण करनी। नशा ते पैसा वंडण वालियां दा बाईकाट करो, ताकि गुरुद्वारे चों राजनीति नूं बाहर दा राह विखाया जा सके। गुरु घर मानवता दा फ्यूचर है सी, और उन्हों बहाल करना अज साडा सारियां दा फर्ज बनता है। इसलिए सिख दी सैकी नूं समझियो, ना गुरु नानक दी समझी, ना गुरु गोबिंद सिंह साहब नूं जाणिया, ना किसी ने बाबा जरनैल सिंह नूं जाणिया, उल्टा विरोध शुरू करता। इसलिए बेनती करदा है कि मैं कोई राजनीति की गल नहीं करता, राजनीति नूं कढ़न की गल करांगा जिहड़ी गुरुद्वारे च आ गई है, उहदे च तुहाडे योगदान की लोड़ है। आओ कलगीधर दे पुत्रो धीओ, अमृतधारी हो के जियो, मेरा सिखी स्वरूप मेरा असली रूप बहाल करिए खालसे दी रहो रीति। गुरु घरां दी माण मर्यादा ये तुसी सारे मिल के कर सकते। हुण मैं विच फस गया जी, एक घंटा मेरा टाइम सी पूरा हो गया। हुक्म मैनू होया से कि प्राणी एको नाम त्यावो शब्द सुनाओ, फिर किधरे तुहाडे च बैठांगा। मैं तो हुण दिल्ली च ही बैठा होया, पंजाब ते मैं कदी कदी जाना है, तुहाडे च आ। इसलिए भाई साहब आ गए ने, हुण मैं उन्हां नूं बेनती करदा कि आउण, आप जी नूं गुरु की बाणी का कीर्तन सरवण कराउण। मैं इत्थे संपूर्णता करां क्योंकि मैं अपने टाइम च ही रवां, जे मेरे तो बाद कोई जथा ना हुंदा फिर मैं अपना टाइम होर भी ला सकता सां, पर हुण इत्थे संपूर्णता करदा। गुरु घर का कीर्तनिया सिख सद्भावना दल का सेवादार होने नाते आओ, बेनती करदा गुरुद्वारा प्रबंध सुधार लहर का हिस्सा बनो। ये प्रबंध सुधार लहर मैं नहीं, भाई लक्ष्मण सिंह जी शहीद धारोवाली साका ननकाणा साहब, बाबा मक्खण शाह लवाणा, भाई मनी सिंह, बाबा दीप सिंह, ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी शुरू कर गए ने। मैं तो केवल चेते करवाना पिया है। कलगीधर दे पुत्रो धीओ, अमृत छको,
जेदे नाम नाल सिंह ते कौर लगदा है उन्नू कहना ना पवे अमृत छक, वह आप आके कह मैनू अमृत की दात दे के गुरु का पुत्र ते धी होण दा माण बख्श दिओ, क्योंकि सवासां दा पता कोई नहीं, जिंदगी सफल हो जाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।